गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आज आपको वैदिक गणित में सूत्र एक न्यूने पूर्वेण से गुणा करना सिखाएंगे। पिछले अभ्यास मालाओं में आपने एक सूत्र एक न्यूने पूर्वेण के बारे में जानकारी ली थी। एक न्यूने का अर्थ होता है एक कम करना, तो वैसे ही एक न्यूने पूर्वेण से गुणा करने के लिए पूर्वेण संख्या है इसके जस्ट जैसे 9 का पूर्वेण है 8। अब इसको एक न्यूने पूर्वेण करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको दो भागों में, जैसे 8 माइनस 1 दूसरा भाग में आ जाएगा 9, ये 9 ना। अब इसको एक न्यूनयन करते ही यहां आ जाएगा 7। अब जो अंक 7 है उसको किसमें से घटाएंगे अपन, 9 में से। ये 7 है ना जिसको 9 में से घटाएंगे। अब 7 में से 9 गए तो यहां पे कितना आएगा, 2। तो अपना जस्ट ये आंसर आ जाएगा, ज्यादा इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। अगर आपको सूत्र की सहायता से गुणा करोगे तो आपके आंसर बिल्कुल राइट आएंगे और इसमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। सूत्र की सहायता से आपको, जैसे इसको एक न्यूनयन किया, 8 को एक न्यून करने पर यहाँ 7 आ गए। अब इधर जो दाया पक्ष है ना उसमें 9 अंक 9 है, 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितने आए, 2। तो अपना आंसर ज्यों का ज्यों उतार लो, 7 और 2 72 आ गए। वैसे ही ये अंक है 9, एक साइड में 9 ना, उसका एक न्यूनयन करेंगे अपन। दो बार पार्टों में बांटना है इसको, दाया पक्ष और बाया पक्ष। तो इधर हो जाएगा 9, ये वाला 9। अब इसमें से एक न्यून करने पर, एक कम करने पर, न्यून का अर्थ होता है एक कम करने पर, एक कम करने पर यहां कितने आएंगे, 8। अब जस्ट इसमें से 9 है उसमें से कितने कटाएंगे, 8। अब 9 में से 8 गए तो 1। अब अपना आंसर हो जाएगा 81। ऐसे कैसे उतारना है, देखो ये सूत्र तभी ही लागू है जब अपने दाएं पक्ष में अंक 9 होगा। अब बड़ी से बड़ी संख्याओं को गुणन करने के लिए अगर आप एक न्यूनयन विधि से अगर गुणा करोगे तो आपका ये सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा, चाहे सवाल कितना ही बड़ा हो। जैसे ये देखो 16 माइनस 1, अब 16 में से 1 गया तो यहां पे कितने आएंगे, 15। इधर को अंक है 99, अब 99 में से कितने घटाएंगे, 16। अब देखो 9 में से 6 गए तो 3, फिर 9 में से 1 गया तो 8। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट उतार दो, 8 के 8 और 3 के 3 और 15 के 15, जैसे अंक है जैसे वैसे के वैसे उतार दो, आपके आंसर राइट आएंगे बिल्कुल। अब ये वाले अंक देखो, इसमें से 52 माइनस 1 और दाएं पक्ष में हो जाएगा 99। अब 99 में से आप देखो इसमें अपन करेंगे, इसमें से अगर न्यूनयन करेंगे तो कितने हो गए, 51। कितने हो गए, 51। अब अपन को क्या करेंगे, 51 को किसमें से घटाएंगे, 99 में से, किसमें से घटाएंगे। अब 9 में से 1 गया तो यहां पे आएगा 8, फिर 9 में से 5 गए तो यहां पे आएंगे 4। ये अंक आपको कुछ नहीं करना, उतारना है सीधे के सीधे, जो कहते हैं उतार देना। देखिए ये सूत्र हल करते समय आप यही ध्यान रखना है, इसके दाएं पक्ष में 9 अंक होगा तभी ही सूत्र लागू होगा, अन्यथा आप बाकी सूत्र इसमें अगर न्यून करने लग जाओगे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। सूत्र एक न्यूने पूर्वेण अगर आपके लिखा हुआ आए तभी ही, इसमें यही नियम है, ये जो दाएं पक्ष का जो अंक है वो हमेशा 9 होगा तभी ये लागू है, ठीक है। अब इसी प्रकार के सवाल मैं घर पे अभ्यास के लिए आपको दे रहा हूं, तो आप इनको प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अगर फिर भी कोई भैया बहन अगर नहीं कर पाए तो अपने व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए एच वर्क है आपका होमवर्क, सवाल नंबर 1 है, सॉरी यही है सूत्र एक न्यूने।
देखो सूत्र एक न्यूनेंड पूर्वेंड से हल करें। अब हल क्या करना, देखो आपको जो सवाल डाल रहा हूं उनको करना है। आपको दो तीन सवाल डाले जाएंगे। एक सवाल है आपका 7 × 9, यही सूत्र लगाएंगे, यही विधि होगी, इसी के हिसाब से आपको हल करना है। सवाल नंबर दो है आपका 84 × 99, ठीक है। और सवाल नंबर तीन डाल रहे हैं आपको 44 × 99। अब इन सवालों को भैया बहन घर पे करेंगे, ठीक है।